झारखंड का सियासत में इन दिनों सदस्यता पर संशय का दौरा चल रहा है। पहले बंधु तिर्की की सदस्यता गई, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तलवार लटक रही है। कांके से बीजेपी विधायक समरी लाल की जाति का मामला राजभवन में है, तो वहीं अब इस फहरिस्त में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भी नाम जुड़ गया है। सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी मेसर्स सत्यम बिल्डर्स के जरिए कई ऐसे सरकारी टेंडर लिए थे जो विधानसभा चुनाव 2019 के वक्त अस्तित्व में थी, और इसके अलावा कंपनी पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर जेएमएम विधायक के गढ़वा विधानसभा से निर्वाचन आयोग मामले में एक शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को की गई है। राज्य के सामलोंग निवासी सुनील महतो पर कथित तौर पर की गई ये शिकायत की गई थी कि शिकायत के जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के रवि कुमार ने गढ़वा डीसी को मामले की जांच को लेकर एक पत्र लिखा है। पत्र बीते 19 अप्रैल को लिखा गया है। पत्र में के रवि कुमार ने गढ़वा डीसी से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को देने का निर्देश दिया ताकि आयोग को इससे अवगत कराया जा सके। वहीं मंत्री ने सफाई दी है कि उन्होंने सत्यम कंपनी के डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दिया है। सूत्रों के हवाले से माने तो मिथिलेश ठाकुर से जुड़े कई और मामले सामने आने वाले हैं, जिससे सीएम के साथ सरकार की जो समस्याएं हैं वो बढ़ सकती है। तो एक एक कर इन तमाम लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। चाहे हम समरी लाल की जाति प्रमाण पत्र की बात कर ले, चाहे हम सरकार की बात कर ले, माइनिंग लीज पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बात कर ले, या फिर अब बात कर ले पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की। राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता का मामला भारत निर्वाचन आयोग पहुंचा है। विधानसभा चुनाव के वक्त उनके द्वारा ठेका कंपनी संचालित किए जाने और इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के दायरे में आने की शिकायत मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गढ़वा की उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने और इसकी जानकारी देने को कहा है ताकि उससे चुनाव आयोग को अवगत कराया जा सके। शिकायतकर्ता सुनील महतो ने आरोप लगाया है कि 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान मिथिलेश ठाकुर की ठेका कंपनी राज्य के कई जगह निर्माण कार्य करा रही थी। मिथिलेश ठाकुर द्वारा भरे गए फॉर्म 26 में इसका जिक्र है कि वो चाईबासा के सत्यम बिल्डर्स में पार्टनर है और ये कंपनी सरकारी ठेका लेने का काम करती है। विधानसभा चुनाव के दौरान उनकी राज्य सरकार के साथ की गई संविदाएं अस्तित्व में थी। शिकायत में ऐसे कई संविदाओं का उल्लेख भी किया गया है। मिथिलेश ठाकुर का मामला चुनाव आयोग पहुंच चुका है। सदस्यता भंग करने की मांग की जा रही है। चुनाव के दौरान मंत्री की ठेका कंपनी करा रही थी निर्माण कार्य। तो झारखंड की सियासत में इन दिनों सदस्यता पर संशय का दौर चल रहा है। पहले बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई, अब समरी लाल की अगर बात करें जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनकी भी सदस्यता जा सकती है। इसी फहरिस्त में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का।
तो सबसे पहले बंधु तिर्की की सदस्यता गई, फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तलवार लटकी रही है, कांके के बीजेपी विधायक समरी लाल की भी मुश्किलें बढ़ी हुई है। तो झारखंड की सियासत में लगातार भूचाल मचा हुआ है सदस्यता रद्द होने को लेकर। बंधु तिर्की की सदस्यता गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तलवार लटक रहे हैं, कांके विधायक समरी लाल की अगर बात करें तो जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनकी भी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। और अब इस फहरिस्त में पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर का नाम भी जुड़ गया है। तो मुश्किल के दौर से गुजर रहे हैं ये, और अब देखना ये है कि ये जो पूरा मामला है वो क्या नया रंग लेकर आता है। झारखंड की सियासत में इन दिनों सदस्यता पर संशय का दौर चल रहा है। पहले बंधु तिर्की की सदस्यता गई, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तलवार लटक रही है, कांके से बीजेपी विधायक समरी लाल की जाति का मामला राजभवन में है, और वहीं अब इस फहरिस्त में पेयजल मंत्री मिथिलेश ठाकुर का भी नाम जुड़ गया है। सूबे के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर पर आरोप है कि उन्होंने अपनी कंपनी मेसर्स सत्यम बिल्डर्स के जरिए कई ऐसे सरकारी टेंडर लिए थे जो विधानसभा चुनाव 2019 के वक्त अस्तित्व में थी, और इसके अलावा कंपनी पर कई तरह के आरोप लगाए गए हैं। इसे लेकर जेएमएम विधायक के गढ़वा विधानसभा से निर्वाचन आयोग मामले में एक शिकायत भारत निर्वाचन आयोग को की गई है। रांची के सामलोंग निवासी सुनील महतो ने कथित तौर पर की गई ये शिकायत के जवाब में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सह सचिव के रवि कुमार ने गढ़वा डीसी को मामले की जांच को लेकर एक पत्र लिखा है। पत्र बीते 19 अप्रैल को लिखा गया है, और पत्र में के रवि कुमार ने गढ़वा डीसी से नियमानुसार कार्रवाई करते हुए विस्तृत रिपोर्ट मंत्रिमंडल निर्वाचन विभाग को देने का निर्देश दिया है ताकि आयोग को इससे अवगत कराया जा सके। वहीं मंत्री ने सफाई दी है कि उन्होंने सत्यम कंपनी के डायरेक्टरशिप से रिजाइन कर दी है। सूत्रों के हवाले से माने तो मिथिलेश ठाकुर से जुड़े कई और मामले सामने आने वाले हैं, और इससे मुख्यमंत्री के साथ साथ सरकार की समस्याएं भी बढ़ सकती हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता का मामला भारत निर्वाचन आयोग पहुंचा है। विधानसभा चुनाव के वक्त उन्होंने ठेका कंपनी संचालित किए जाने और इसे लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के दायरे में आने की शिकायत मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। तो चुनाव आयोग का पत्र मिलने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने गढ़वा डीसी को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मंत्री मिथिलेश ठाकुर के संबंध में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने गढ़वा के उपायुक्त सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने और इसकी जानकारी देने को कहा है ताकि उससे चुनाव आयोग को अवगत कराया जा सके। शिकायतकर्ता सुनील महतो ने आरोप लगाया है कि 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान मिथिलेश ठाकुर की ठेका कंपनी राज्य में कई जगह निर्माण कार्य करा रही थी। तो एक एक कर इन तमाम राजनेताओं की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं।
आय से अधिक संपत्ति मामले में बंधु तिर्की की सदस्यता चली गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगर बात करें, खनिज लीज मामले में उन पर तलवार लटक रही है। कांके विधायक समरी लाल जाति प्रमाण पत्र को लेकर उनकी मुश्किलें बढ़ी हुई हैं और अब इसी में एक और नाम जुड़ गया है और वो नाम है मिथिलेश ठाकुर का, जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं। और जिस तरीके से इन पर आरोप लगाए गए हैं उनकी भी सदस्यता रद्द हो सकती है। और सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसमें कई और मामले सामने आ सकते हैं मिथिलेश ठाकुर से जुड़ी हुई। मिथिलेश ठाकुर द्वारा भरे गए फॉर्म 26 में इसका जिक्र भी किया गया है कि वो चाईबासा के सत्तम बिल्डर में पार्टनर है और ये कंपनी सरकारी ठेका लेने का काम करती है। वहीं अगर मिथिलेश ठाकुर की बात करें तो उन्होंने अपनी सफाई में देते हुए कहा है कि उन्होंने इस कंपनी से रिजाइन दे दिया है। तो आरोप लगा है, सुनील महतो ने आरोप लगाया है कि 2019 में विधानसभा चुनाव के दौरान मिथिलेश ठाकुर की ठेका कंपनी राज्य में कई जगह निर्माण कार्य करा रही थी। तो राज्य सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर की सदस्यता का मामला भारत निर्वाचन आयोग पहुंच गया है। विधानसभा चुनाव के वक्त तो उनके द्वारा ठेका कंपनी संचालित किए जाने और इसके लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 9A के दायरे में आने की शिकायत मिलने के बाद भारत निर्वाचन आयोग ने राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से इस पर नियमानुसार कार्रवाई करने को कहा है। और ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी शाहनवाज अख्तर हमारे साथ बने हुए हैं। शाहनवाज, सबसे पहले अगर बात करें तो बंधु तिर्की जो कि आय से अधिक संपत्ति मामले में इनकी सदस्यता रद्द हो गई है, मुख्यमंत्री की बात करें तो इन पर भी तलवार लटकती हुई नजर आ रही है, समरीलाल जाति प्रमाण पत्र के चक्कर में फंसे हुए हैं और अब एक नया नाम जुड़ गया है मिथिलेश ठाकुर का। जी हाँ, ये अजीबोगरीब हवा चली है झारखंड में और एक एक करके सब लोग बेहद परेशानी में हैं। अगर हम बात करें तो बंधु तिर्की की परेशानी का तो जिक्र आपने कर ही दिया, वो उनकी सदस्यता करीब करीब जा ही चुकी है, थोड़ा सा हाई कोर्ट का सहारा है। इसके अलावा समरी लाल हैं, ममता कुमारी हैं और भी कई लोग हैं जिन पर किसी न किसी तरह का कोई मामला चल रहा है जिससे ये लोग अयोग्य घोषित किए जा सकते हैं। ताज़ा मामला जो है वो मिथिलेश ठाकुर का है, जो पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री हैं, गढ़वा से विधायक हैं। जाहिर है सुनील कुमार महतो नाम के व्यक्ति ने केंद्रीय चुनाव आयोग को ये शिकायत भेजी है कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट के एक अनुच्छेद के 19A के तहत ये इनकी सदस्यता रद्द की जानी चाहिए क्योंकि ये सत्यम बिल्डर्स के पार्टनर हैं और जब 2019 का चुनाव हो रहा था तो इनकी कंपनी बाकायदा उसके कई प्रोजेक्ट चल रहे थे। तो केंद्रीय चुनाव आयोग ने एक पत्र भेज दिया है, जाहिर है राज्य के निर्वाचन आयुक्त को, कि रवि कुमार को, कि आप उसको न्यायोचित ढंग से इसको देखें। देखिए, कार्रवाई करने के लिए लिखना ये अपने आप में कहना ठीक नहीं होगा, ये कहा जा सकता है कि उन्होंने उसको लिखा है कि आप डू द नीडफुल, आगे जो भी आपको लगता है इसमें अगर कोई गलती हुई है तो उसके बारे में आप सूचित करें। किसी की सदस्यता एक मिनट में नहीं चली जाती है, किसी भी किसी की शिकायत पर एक पूरी प्रक्रिया होती है, उसकी उसकी जांच होगी, डीसी से जांच रिपोर्ट लेंगे, उसके बाद फिर निर्वाचन आयुक्त को ये चीज़ें आई हैं वो अपनी रिपोर्ट देंगे, तब जाके एक अंत में अगर सब कुछ ये हो गया कि हाँ भाई इन्होंने ऐसा कुछ कानून का उल्लंघन किया है, सदस्यता अधिनियम का को के खिलाफ वर्जी किया, उसके बाद फिर उसकी सदस्यता जाने की प्रक्रिया चलेगी। लेकिन हाँ, ये कहा जा सकता है कि ये जो ताज़ा मामला है मिथिलेश ठाकुर का वो अपने आप में एक सनसनी फैला रहा है क्योंकि अभी कई प्रयासों के बाद वो गढ़वा से विधायक चुने गए थे और गढ़वा से पहली बार JMM के बैनर पर कोई जीता था
और उस क्षेत्र में पूरा जेएमएम अपनी कोशिश में था कि जन आधार मजबूत हो, और मिथिलेश ठाकुर को मंत्री भी बनाया मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। अब राजदा मुख्यमंत्री के बारे में भी ये चीज़ें हैं, से ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का मामला, स्टोन के लीज का मामला है, इसके बारे में भी बहुत इस वक्त चर्चा चल रही है। ख़ास करके जो संविधान विशेषज्ञ हैं वो अलग अलग सबसे राय ली जा रही है, खुद मुख्यमंत्री भी अपनी राय ले रहे हैं सबसे कि क्या है मामला, और प्रदेश में एक अजीब सा असमंजस छाया हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कुछ जो न्यायविदों की राय है उसके हिसाब से ये मोरल ग्राउंड का मामला बनता है, ये ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का मामला नहीं बनता है। ये एक कुछ राहत देने वाली खबर है, ना सिर्फ ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए, उनकी सरकार के लिए और पूरे राज्य के लिए भी, क्योंकि फिर एक बार अस्थिरता का वातावरण आ जाएगा, बहुत चिंतित हैं लोग। कुछ न कुछ स्लो ही है, मंथर गति से ही सही, लेकिन राज्य अपनी गति से चल रहा है, तमाम मंत्रालय अपनी अपनी दिशा में अपने अपने कार्यक्रमों को लेकर काम कर रहे हैं। अब ऐसे में अगर कोई सत्ता परिवर्तन होता है तो तमाम चीज़ें डिरेल्ड हो सकती हैं। तो बहरहाल संविधान विशेषज्ञों में जो जितनी भी राय आ रही है अलग 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 अलग, सबको अगर एक सूत्र में बांध करके एक राय को अवलोकन करें तो उनका कहना यह है कि हाँ, अनियमितता का मामला, लेकिन सबसे बड़ी बात राहत की यह है कि उससे खनन तो शुरू ही नहीं हुआ था। अगर किसी ने, मुख्यमंत्री ने कोई खदान ली और उससे खनन शुरू होता, खनन में कुछ अनियमितता होती, तब जाकर के ये बात आ सकती थी, लेकिन अभी तो प्री मैच्योर हो गया ये ना, क्योंकि जब थोड़ा सा वेट कर लेते अगर मुख्यमंत्री के जो मुखालफिन लोग हैं, उनके जो अपोजिशन के लोग हैं, वो थोड़ा वेट कर लेते, थोड़ा सा वहां से खनन शुरू हो जाता, तब जाकर के ये मामला हो जाए तो ऑफिट ऑफ कुछ प्रॉफिट होता। जबकि एक वहां पर कुल्हाड़ी मारी नहीं गई, एक पत्थर वहां से तोड़ा नहीं गया, हाँ लीज ली गई है, तो ये मामला है। तो ये कुछ राहत देने वाली बात है मुख्यमंत्री और उनके पूरे के पूरे कुंबे को, पूरी सरकार को, गठबंधन को। तो ये है, अब देखिए आगे क्या होता है। हालांकि ये इतना तय नहीं है, पूरी ठोस रणनीति के तहत ये नहीं कहा जा सकता है कि सब कुछ ठीक ठाक हो गया है। अभी कुछ दिनों तक संशय के बादल छाए रहेंगे और मिथिलेश ठाकुर का एक नया मामला उसमें जुड़ जाने से एक और टेंशन है, क्योंकि कोई भी एक मंत्री, कैबिनेट का मंत्री है, अगर उसके खिलाफ इस तरह की कोई जांच रिपोर्ट केंद्रीय चुनाव आयोग ने भेजी हो राज्य के निर्वाचन आयुक्त को, तो चिंता तो होती ही है। क्या है, क्या तकनीकी मामला है, थोड़ी सी परेशानी तो हो ही गई है, और इसका आने वाले वक्त में धीरे 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 करके और स्थितियाँ परिस्थितियाँ साफ होंगी कि आगे क्या कोई उन पर कार्रवाई हो सकती है, क्या उनकी सदस्यता जा सकती है। बल अभी कुछ तय नहीं है कि ऐसा होगा ही। जी चलिए, इन सब के अलावा हम बन्ना गुप्ता को नहीं भुला सकते हैं। जिस तरीके से सरयू राय ने उन पर भी प्रोत्साहन राशि के निकासी की बात कही है, तो एक मुश्किल उनके लिए भी चल रही है। मिथिलेश ठाकुर की अगर बात करें तो सूत्रों के हवाले से खबर ये भी मिल रही है शाहनवाज की, कुछ और मामले उनसे जुड़े हुए सामने आ सकते हैं। देखिए, जब किसी व्यक्ति को कोई पद मिलता है, झारखंड में मंत्री बनाया जाता है, और ख़ास करके किसी ऐसे क्षेत्र में जहां पर कभी कोई पार्टी जीती नहीं थी, अब जाहिर है वहां से कोई व्यक्ति जीता है तो उसके अपोजिशन के लोग भी कोई चुप करके बैठने वाले नहीं हैं। जब किसी ने उनके खिलाफ ये चुनाव आयोग में शिकायत कर दी तो हर एक पॉलिटिशियन के साथ, हर एक पार्टी के साथ अपोजिशन शब्द लगा रहता है, और वो अपना काम करते हैं, अपोजिशन अपना काम करता है। इसलिए अगर उन्होंने कोई गलती की होगी, क्योंकि बेसिकली जो राजनीति में जो लोग आते हैं वो ज़्यादातर ठेकेदारी के पेशे से आते हैं। अगर आप हमारे सदर विधायक सीपी सिंह को देख लें तो वो खुद ठेकेदार थे। हफीजुल हसन अंसारी के पास भी ठेकेदारी का लाइसेंस उनके नाम से था, क्योंकि वो ठेकेदार थे। ठेकेदारी करना कोई जुर्म की तो बात है नहीं, वो तो एक अपने आप में कारोबार है। अब कोई व्यक्ति अगर कारोबार करता है तो इसमें क्या बुराई है। हाँ, अगर उसमें कोई गलत ढंग से उसने ठेकेदारी का ठेका पट्टा हासिल किया, नियमों का अनदेखा करके किया, बेईमानी की, सरकार का धन लूटा,
ये तब ऐसा हुआ होता है तब उस पर केस चलेगा, न्यायिक प्रक्रिया के तहत उस पर होगा। लेकिन हाँ, आपने बन्ना गुप्ता के का जिक्र किया तो बन्ना गुप्ता ज़रूर थोड़ी सी परेशानी मुश्किलों में है, क्योंकि 54 लोगों ने बाकायदा पेमेंट ले लिया है। उसके बाद सरजू राय जैसा व्यक्ति है उनके अपोजिशन में, तो वो लगातार दबाव बना रहे हैं, अपना तर्क दे रहे हैं कि हाँ बाकायदा पेमेंट उठाई गई है। और खुद मुख्यमंत्री, उनके आसपास के जो नज़दीकी कोटरी के लोग होते हैं, उनके जो पीएस होते हैं, ये सारे लोग का बाकायदा पेमेंट के लिए ट्रेजरी में जा चुका था बिल। एक तरह से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अपना सर्वर बंद कर दिया मार्च लूट की आशंका के तहत, अदरवाइज इनका भी पेमेंट हो जाता। तो ये भी एक टेक्निकल मामला है, ये भी कोर्ट कचहरी का मामला है। अभी इसमें ये भी नहीं कह सकते कि इनकी भी सदस्यता चली जाएगी, इनकी मंत्र और मॉरल ग्राउंड का मामला है। मुख्यमंत्री का भी मामला मॉरल ग्राउंड का हो सकता है, नैतिकता के आधार पर। अगर पुराना जमाना होता तो थोड़ी सी एक ट्रेन एक्सीडेंट के बाद भी कोई मंत्री इस्तीफा दे देता था, तो अब तो ऐसा होता नहीं है। तो बहरहाल बन्ना गुप्ता का भी मामला वही है, न्यायालय जाने का मामला है। इसमें कोई मॉरल ग्राउंड पे अगर चाहते तो वो दे सकते थे, लेकिन कोई उन पर दबाव नहीं है, कोई उनको हटा नहीं सकता है इस तरह से। बहरहाल तो आलमगीर आलम का भी मामला आपने सुना ही होगा कि एक ठेका दिलवाने के मामले में उनका भी। तो ये जो जब संकट का समय आता है किसी भी सरकार के लिए, तो चारों तरफ से चीजें उभरने लगती हैं। अगर आपके अच्छे दिन चल रहे हों तो आपको अच्छी अच्छी बातें हर जगह से सुनाई पड़ेंगी आपके बारे में, लेकिन अगर आपके दिन बुरे आ गए तो फिर आपको हर कोने से कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ बुरी खबरें सुनाई देंगी। तो अभी और भी बहुत सारे मंत्री और भी सारे बहुत सारे विधायक हैं, एक एक करके दबाव की रणनीति के तहत अपोजिशन को जो भी मटेरियल मिलेगा इस वक्त किसी के खिलाफ मिलेगा तो वो उसको सार्वजनिक करेगा, तो जाहिर है खबरें आएंगी, तो तनाव बढ़ेगा सरकार का, संगठन का, और इसके अलावा जो गठबंधन सरकार चल रही है वो परेशान तो अभी कुछ दिन रहेगी जाहिर तौर पर। मिथिलेश ठाकुर ने अपनी तरफ से सफाई देते हुए कहा है कि उन्होंने इस पार्टनरशिप से, सत्यम बिल्डर्स पार्टनरशिप से उन्होंने रिजाइन दे दिया था, तो क्या ऐसा हो सकता है शाहनवाज कि अगर ये वो डॉक्यूमेंट्स दिखाते हैं, वो कागजात दिखाते हैं, तो क्या इन्हें क्लीन चिट भी मिल सकती है? हाँ बेशक, अगर उन्होंने रिजाइन दिया होगा तो जाहिर है उस पर एक्टिविटी हुई होगी, बैंक में वो पेपर गए होंगे, गारंटी का मामला हुआ होगा। तो अगर वो डॉक्यूमेंट उनके हैं और उसमें दिन तारीख है और कब आपने चुनाव लड़ा है, अगर उसमें उसके शपथ पत्र में आप सत्यम बिल्डर के पार्टनर के तौर पर आपकी एंट्री होगी, क्योंकि आपके कारोबार और आपका सोर्स सब कुछ आपको चुनाव के मौके पर बताना है। अगर आपके पास 100 करोड़ 1000 करोड़ रुपए भी हैं और उसका सोर्स सही है, बहुत सारे देश में ऐसे राजनीतिक लोग हैं, मंत्री हैं उस वक्त, जिनकी अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फैक्ट्रियां हैं, लेकिन उन्होंने अपना अपनी आमदनी और उसके सोर्स का जिक्र जो है वो चुनाव के शपथ पत्र में किया हुआ है। जाहिर है उस पर कोई हर्ज की बात नहीं है। अगर उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने रिजाइन दिया, क्योंकि देखिए कोई भी व्यक्ति जब राजनीति में जाता है, MLA बनता है, उसको पता है ये सारी चीज़ें, वो जो एक सार्वजनिक रूप से सब लोग जानते हैं कि ऑफिस ऑफ द प्रॉफिट का मामला हो जाएगा, एक पद व्यक्ति एक पद का मामला हो जाएगा, तो उन्होंने दिया होगा रिजाइन, इसमें कोई भी शक शुबे की बात नहीं है। हाँ, ये अपोजिशन के लोग जो है, ये जो जो भी किसी के खिलाफ कोई भी डॉक्यूमेंट आता है और ऐसे मौके पर उसको तनाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, उसको उसको परेशान करने के लिए कोर्ट कचहरी जाते हैं, PIL करते हैं, या फिर चुनाव आयोग में जाके शिकायत करते हैं, तो जाहिर है वो बहुत सारी बातों को नहीं जानते हैं कि अंदर में क्या हो सकता है। हाँ, ट्राई मारते हैं, हो सकता है कि नैतिकता के आधार पर इस्तीफा ही दे दे या मुख्यमंत्री ही उनको बर्खास्त कर दे, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो मिथिलेश ठाकुर को अब सार्वजनिक रूप से अपने कागजात को सार्वजनिक भी करना चाहिए, और जाहिर है वो करेंगे भी, क्योंकि उनके मंत्री पद का मामला है, विधायकी का मामला है। तो जाहिर तौर पर अभी हेमंत सरकार के लिए थोड़ी मुश्किल की घड़ी अब देखना ये होगा शाहनवाज की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके जो मंत्री है वो इस परेशानियों से अपने आप को कैसे निकाल पाते हैं, क्योंकि मुश्किलें तो अभी थोड़ी सी बढ़ी हुई हैं झारखंड सरकार के लिए हुई हैं। और ये पिछले 4-5 दिनों से बहुत
चीज़ें गश्त कर रही हैं हवा में, और एक अनिश्चितता सा का सा वातावरण है। अगर हम लोग किसी भी ऑफिस में जाते हैं, किसी भी सीनियर आईएएस से मिलते हैं, तो सब लोग पूछते हैं कि आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो गया ये, क्या मामला है। तो ये सारी चीज़ें चर्चा का विषय है। इसका निगेटिव इम्पैक्ट सरकार की इकबाल पर पड़ रहा है। सरकार अगर मजबूत होती है, जैसे अभी कुछ दिन पहले तक कोई सुनगुन नहीं था, सरकार ठीक ठाक चल रही थी, तो चीज़ें आगे बढ़ रही थी, ठेका पट्टा पुल पुलिया फ्लाईओवर आप देख रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें एक्टिविटी में हैं, पंचायत चुनाव चल रहा है, लोग अपने अपने जगह पे, किसी का एग्ज़ाम चल रहा है, किसी का कुछ चल रहा है, तो सारी चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो गई थी करीब करीब ठीक ठाक ढंग से कोविड के पीरियड गुजरने के बाद। लेकिन अभी एक नया मामला सामने में आ गया, और आने के बाद अब जाहिर है चूंकि सरकार की जो परिस्थिति है इस वक्त झारखंड में, हेमंत सोरेन प्लस कांग्रेस आरजेडी मिलाकर के एक सरकार चल रही है, केंद्र में बीजेपी की सरकार चल रही है, और बीजेपी की जो केंद्र सरकार है, जाहिर है एक जो राज्य में दूसरी पार्टी और गठबंधन की सरकार है यूपीए की, तो इन दोनों में जाहिर है एक रिश्ते तो अच्छे हैं नहीं कि कुछ अगर गलती भी हुई तो उसको केंद्र नजरअंदाज करे। राजनीति तो है ये, और राजनीति में ये सब चीजें चलती रहती हैं। हेमंत सोरेन की सरकार इन तमाम मुश्किलों से अपने आप को कैसे बाहर निकाल पाती है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका शनवास तमाम जानकारियों के लिए। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप बने रहे न्यूज 11 भारत के साथ। नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज 11 भारत, सच है तो दिखेगा।